हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा स्पॉटिंग एरर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि IBPS PO प्री 2019 में डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये वीडियो क्लास SBI PO 2020 के लिए भी हाईली यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चंस को, और यदि आप नए पैटर्न के क्वेश्चंस एकदम फ्रेश कंटेंट के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक बेहतरीन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन करना चाहते हैं जो पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको स्मार्ट की राखी टेस्ट जोन टेस्ट सीरीज़। और इसमें सबसे बेस्ट जो प्लान है वो है 12 मंथ का एक प्लान है, 499 रुपीज़ का। इसमें करीब 300 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, फुल लेंथ, और इसमें एकदम फ्रेश और नया कंटेंट है। इसका इसका जो एनालिसिस है मैंने देखा है, बहुत शानदार इनका एनालिसिस है, आंसर एंड एक्सप्लेनेशंस बहुत शानदार है। तो यदि आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो ज़रूर इसको ज्वाइन करें और इसके थ्रू आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां से इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चंस हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस SBI PO प्री में पूछे गए थे पिछले साल, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। प्लीज़ इस पूरे वीडियो क्लास को ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन इज सो ओवरवेलमिंग दैट साइंटिस्ट से द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ट्रू अप्रोचेज 100%। आप पहले खुद करिए सेंटेंस को और देखिए कि कहाँ पर इसमें गलती लग रही है। अब देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपको पार्ट बाई पार्ट पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। द एविडेंस ऑफ फॉर इवोल्यूशन, ये सही है, जो इवोल्यूशन हुआ है कि हमारी जो मानव जाति है वो इवॉल्व हुई है धीमे धीमे, ठीक है। द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज सो ओवरवेलमिंग, ये इतना ओवरवेलमिंग है, इतना जस्टिफाइड है, इतना इतना स्ट्रॉन्ग है, दैट साइंटिस्ट से, साइंटिस्ट प्लूरल है तो से सही है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से लॉजिकली आपको कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ना होता है। साइंटिस्ट यहाँ पर प्लूरल है तो से यहाँ पर सही है। से द प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग, देखिए बीइंग क्या है, एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को, तो इससे पहले एक नाउन होनी चाहिए, तो नाउन यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इट, यहाँ पर आएगा एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के लिए यहाँ पर आएगा इट, क्योंकि यहाँ पर तो नाउन आ ही चुका है, एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, एविडेंस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस नाउन को रिप्लेस करेंगे हम एक प्रोनाउन से, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ट्रू, मतलब इसके सही होने की संभावना जो है वो 100% तक पहुँच गई है, अप्रोचेज 100%, ठीक है। ये अप्रोचेज जो वर्ड है ये प्रोबेबिलिटी के साथ आया है, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं अप्रोचेज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ट्रू, मतलब इसके सही होने की संभावना, एवोल्यूशन के सही होने की संभावना 100% तक पहुंच गई है, तो यहाँ पर इट, यहाँ पर इट का प्रयोग इसमें होगा, और ये जो पार्ट है ये डी में है, तो यानी डी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द एंशियंट वे टू सेटल, एंशियंट मतलब पुराना, पुराने जमाने में जो सेटल करने का एक तरीका था, एंशियंट वे टू सेटल अ क्वेरल, मतलब लड़ाई झगड़े को सेटल करने का जो तरीका था पुराने जमाने में वो क्या था, वॉज टू चूज, वो क्या करते थे, चूज अ लीडर फ्रॉम ईच साइड, हर साइड से एक एक लीडर को वो चूज करते थे, वॉज टू चूज अ लीडर फ्रॉम ईच साइड एंड लेट देम टू फाइट इट आउट, मतलब जैसे दो ग्रुप्स में लड़ाई हो रही है तो दो ग्रुप्स के एक एक लीडर को वो चुन लेते थे, और जो भी वो आपस में डिसाइड करते थे वो डिसीजन फाइनल होता था, एंड लेट देम टू फाइट इट आउट। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे एक तो है लेट, एक है मेक, एक है बिड, इनके साथ हम टू नहीं लगाते, टू प्लस बी वन जो लगा हुआ है यहाँ पर, ये टू प्लस बी वन ना लगाते हुए बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं, यानी वर्ब को हम बिना टू के लगाते हैं, जैसे आई लेट, ही लेट मी गो, ठीक है, ही लेट मी टू गो नहीं बोलेंगे, ही लेट मी गो बोलेंगे, या ही मेड मी टू सिंग नहीं बोलेंगे, ही मेड मी सिंग बोलेंगे। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है, डी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हैविंग हैड हर्ड द नोटिस ऑल द रिपोर्टर्स स्क्वीज्ड इनटू द हॉल,
मतलब जैसे ही नोटिस को सुना सभी सारे रिपोर्टर्स ने, रिपोर्टर्स के बारे में जब जानकारी आई तो सारे रिपोर्टर्स जो है वो हॉल में इकट्ठे हो गए, स्क्वीज मतलब बहुत बहुत भीड़ के साथ वहाँ पर इकट्ठे हो गए। अब इसमें देखिए, हैविंग प्लस V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, हैविंग डन, हैविंग सेड, जैसे हम बोलते हैं हैविंग सेड दैट, तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैविंग के साथ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, लेकिन ये दो वर्ब लगी हैं इसमें, एक हर्ड भी लगी है और एक हैड भी लगी है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे, इसमें एक्चुअली हैड एक्स्ट्रा है, हैविंग हर्ड द नोटिस, हैविंग हर्ड द नोटिस हम बोलेंगे, हैड इसमें एक्स्ट्रा है, यानी ए में इसमें गलती है, ये दो दो थर्ड फॉर्म इसमें लगा दी हैं। तो हर्ड को नहीं हटाएंगे हम, हैविंग हर्ड सही है, क्योंकि हैविंग हर्ड से ही एक सेंस बनेगा कि नोटिस सुनने के बाद सारे रिपोर्टर्स हॉल में चले गए, तो हैड यहाँ पर नहीं आएगा। ये भी काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नो सूनर का एक क्वेश्चन है, नो सूनर के बाद हम देन लगाते हैं, THEN देन, और हार्डली के बाद हम वैन लगाते हैं, तो देन तो इसमें सही लगा हुआ है, लेकिन कोई भी सेंटेंस जब निगेटिव या सेमी निगेटिव वर्ड से शुरू होता है तो उसमें इन्वर्जन का एक रूल होता है, वो अप्लाई होता है। इन्वर्जन का रूल का मतलब है कि पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, नॉर्मली सब्जेक्ट पहले आता है फिर आती है वर्ब, लेकिन जब जब सेमी निगेटिव वर्ड या निगेटिव वर्ड, जैसे निगेटिव वर्ड है नो या नेवर, सेमी निगेटिव वर्ड है नो सूनर या सेल्डम, तो इसमें क्या होता है, पहले वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे, नो सूनर डज सी सेट आईज या डिड सी, हाँ पास्ट में ही हो है ये सेंटेंस, तो डिड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसमें डिड आएगा, नो सूनर डिड शी सेट आईज ऑन द जेंटलमैन देन शी रिकग्नाइज हिज पिक्यूनरी पोजिशन टू बी मेयरली टेम्पररी। पिक्यूनरी पोजिशन मतलब उसकी जो गरीबी की जो हालत है उसके लिए इसमें बात हो रही है, मेयरली का मतलब होता है केवल या ओनली, मेयरली, ठीक है। तो नो सूनर डिड शी यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ पर, और ए पार्ट इसमें गलत है और ए पार्ट इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पीपल ऑफ माई जनरेशन हु लिव्ड थ्रू वर्ल्ड वॉर सेकेंड, मतलब मेरी जनरेशन के लोग जो जिन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड देखा है, लिव्ड थ्रू मतलब उस दौर से जो गुजरे हैं, हु लिव्ड थ्रू वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैव मेमोरीज, तो मेमोरीज तो सही है लेकिन मेमोरीज कैसी हैं, मेमोरीज हैं विविड मेमोरीज, मेमोरीज नाउन है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, नाउन से नाउन को मॉडिफाई करेंगे हम एडजेक्टिव से, तो विविडली नहीं बोलेंगे, विविडली तो एडवर्ब हो जाएगा, विविड बोलेंगे, विविड मेमोरी एकदम साफ एकदम क्लियर, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द बैंक विल लेंड योर कंपनी ऑलमोस्ट क्वाइट अ ह्यूज सम ऑफ मनी ऑन वेरी फेवरेबल टर्म्स, ऑन वेरी फेवरेबल टर्म्स ये सही है, ऑन वेरी फेवरेबल टर्म्स मतलब अच्छे अच्छे टर्म्स पर, अच्छी शर्तों पर, तो ये तो सही है, द बैंक विल लेंड ये सही है, योर कंपनी इसमें एक्चुअली ऑलमोस्ट और क्वाइट साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि क्वाइट भी एक एडवर्ब है और ऑलमोस्ट भी एक एडवर्ब है, ये दो दो एडवर्ब साथ में नहीं आएंगे, क्वाइट के साथ हम ऑलमोस्ट नहीं लगाते, क्योंकि क्वाइट और ऑलमोस्ट कॉन्ट्रास्टिंग सेंस से क्रिएट करेंगे, ऑलमोस्ट का मतलब है लगभग, क्वाइट का मतलब है पूरा, लगभग पूरा, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। तो बी इसमें आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वन ऑफ माई अर्लीएस्ट चाइल्डहुड, देखिए वन को हम चूज करते हैं कई सारों में से, वन ऑफ द फाइव मेंबर्स या वन ऑफ मैनी, तो वन को हम चूज करते हैं कई सारे एलिमेंट्स में से, तो यहाँ पर वन ऑफ मेमोरीज होगा यहाँ पर, यानी बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, माई प्रोफेशनल ट्रेनिंग हैज़ टॉट मी टू लुक एट थिंग्स, मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ने मुझे बताया है कि मैं चीज़ों की तरफ, सिचुएशंस की तरफ देखूं कैसे, टू लुक एट थिंग्स लॉजिकली, यानी लुक एक वर्ब है और इसको क्वालिफाई जो करेगा वो करेगा एडवर्ब, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आई एम वर्क इन द वाइल्डेस्ट एंड मोस्ट अनसिविलाइज्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये तो सही है,
लेकिन यहाँ पर मैंने वर्ल्ड के सबसे वाइल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा अनसिविलाइज्ड पार्ट में काम किया है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे आई हैव वर्क, आई एम वर्क, तो एम के साथ तो आई एन जी फॉर्म लगती है, लेकिन चूंकि परफेक्ट का इस एक सेंस से क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे, यहाँ पर एक्चुअली आएगा आई हैव, यहाँ पर आई हैव वर्क, तो ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द वर्ल्ड फेमस हॉस्पिटल इज फेसिंग क्लोजर, मतलब वर्ल्ड का जो सबसे फेमस हॉस्पिटल है वो क्लोजर की नौबत उसमें आ गई है, उसमें बंद करने की नौबत आ गई है। फेसिंग क्लोजर जो होता है वो बंद करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, फेसिंग वॉट, फेसिंग क्लोजर, तो क्लोजर मतलब यहाँ पर एक नाउन है जो कि सही है। बट डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर वर्किंग वेरी हार्डली, नहीं होगा, वेरी हार्ड होगा ये, वेरी हार्ड टू मेक इट स्टेज, स्टेज सही है क्योंकि ये इट के साथ जुड़ा हुआ है जो कि सिंगुलर है, तो स्टेज तो सही है लेकिन हार्डली गलत है, वर्किंग वेरी हार्ड, वर्किंग वेरी हार्डली नहीं होता, ठीक है। डी डी इसमें आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से ये मैंने IBPS PO प्री के लिए सीरीज चला रहा हूँ, और SBI PO 2020 के लिए भी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। SBI PO 2020 की यदि इंग्लिश सेक्शन की प्री, मेंस और डिस्क्रिप्टिव की आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेरा पेड कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और यदि आप एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगा। स्मार्ट कीड़ा का ये टेस्ट जोन टेस्ट सीरीज है और हर तरह से ये बेस्ट है, आप खुद देखिए और पहले रजिस्टर करिए, चेक करिए, फ्री टेस्ट दीजिए, हर तरह से इसको चेक कर लीजिए, हर पैरामीटर पर ये टेस्ट सीरीज बेस्ट है, इसको आप ज्वाइन करें और इसके थ्रू अपनी सफलता सुनिश्चित करें। थैंक यू।